नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमाचली कपल में। तो अभी हम लोग घूम रहे हैं ज्वाला जी माता के एरिया में। तो यहाँ पे आज हमने रूम लिया है, सामने होटल प्रयाग नाम भी हमने अब पढ़ा है, तब से रूम ले रखा है। तो अभी हम लोग रूम में थे, और आप लोगों ने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी होगी तो देख लेना। अभी हम लोग आए थे बृजेश्वरी माता के टेम्पल से, और इवनिंग के टाइम पर हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा है देखिए, और अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे भीड़ भाड़ कम हो गई है। अभी शाम के 6 बज चुके हैं, और 6 बजे के करीब हम लोग बाहर निकले हैं रूम से नहा धो के फ्रेश होके। और यहाँ पर ये है टैक्सी स्टैंड, और टैक्सी स्टैंड के साथ ही लेफ्ट में है बस स्टैंड, और बस स्टैंड के सामने मंदिर का गेट दिख रहा है। तो यहाँ से सीधा चलेंगे मंदिर, है ना शिवी? जय माता दी। शिवी अंगूठा चूस रही है तू? जय माता दी, जय बोलो। तो ये इधर है बस स्टैंड, और बस स्टैंड से हम लोग जा रहे हैं माता जी के टेंपल शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी। तो गाइज ये एक शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठ है, 51 52 है शायद। तो ये यहाँ पे बड़ा सा गेट है, गेट में हो जाते हैं एंटर। शाम का समय है, बहुत ही कम भीड़ है, देखिए पूरा एरिया खाली है। तो 52 शक्तिपीठ है, कहीं कहीं गूगल में 51 भी लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे माता की जीभा गिरी थी, और ज्वाला जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि अंदर जो है ज्वाला जली रहती है, वो भी आपको दिखाएंगे हम। देखो कितनी कम भीड़ है और कितना रिलैक्स लग रहा है अभी, है ना, घूमने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। यहाँ भी दोनों तरफ मार्केट लगी हुई है, खिलौने सामान मतलब सारे ही हैं, ज़्यादा अगर बच्चों के सामान है। तो ये देखिए माता के फ़ोटो वगैरह भी मिल जाएंगे यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए गाइस हैंडमेड। क्या हुआ? अच्छा, अच्छी भी बड़ी एक्साइटेड हो जाती है। और यार सबसे मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा हमें यहाँ घूमने का ना, क्योंकि हम पूरी शाम तक घूमेंगे और रात को आएंगे रूम में वापस, बढ़िया मस्त एकदम। शिवी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बोलो दो। बोलो बोलो ऐसे बोलो, बहुत अच्छा। देखो भीड़ भी नहीं है, रहने दे, ऐसे वाला कैसा थम जप होता है एक्टिंग अपनी स्टाइल में। उंगली दिखाती है, उंगली बोलो, रोती है, गुस्सा आता है तो उंगली करती है, चुप इतनी सी फिंडकी। हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर, ये आखिरी कुछ सीढ़ियां हैं, और यहाँ पे एंड तक प्रसाद की दुकानें हैं, देखिए लास्ट तक है। अगर आप प्रसाद वगैरह नहीं लाए हो तो यहाँ से ले सकते हो। जय हो ज्वाला माता की, शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी, जय हो। तो जी पहुंच गए माता के खूबसूरत भवन में, वाव सारी लाइनें खाली है कोई भीड़ नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, है ना। सबसे बेस्ट टाइम है गाइस ये विजिट करने का, शाम का टाइम, जितनी मर्जी देर बैठो दर्शन करो आराम से। तो अभी हम लोग पहले जाएंगे दर्शन करने, अंदर वीडियो वगैरह बनाना तो अलाउड नहीं है, तो यहाँ से छोड़ रहे हैं क्योंकि भीड़ है ही नहीं। तो जाके दर्शन करते हैं गाइस, फिर आपको बताते हैं। और भी मंदिर है यहाँ पे बहुत सारे, वो भी दिखाएंगे। ये देखिए ये रहा शॉर्टकट, ये अंदर है मेन मंदिर माता जी का, देखो कितना खूबसूरत है। तो यहाँ पर जो है अंदर बहुत कुछ है, सोने का छत्र है, और बहुत सारी हिस्ट्री है इस माता के मंदिर की, सब बताते हैं आपको। चलो दर्शन करके आते पहले। तो यहाँ पे बना है माता की एक मूर्ति है, और यहाँ पे है अकबर का चढ़ाया हुआ छत्र भी गाइस, वो दिखाते हैं आपको। सबसे पहले माता के दर्शन करिए। ये अकबर का छत्र, पूरा सोने का था।
तो अभी हम लोग यहाँ मंदिर में दर्शन करके यहाँ से आए हैं और आगे और भी मंदिर है उधर जा रहे हैं। ये देखिए गोरख डिब्बी प्रवेश द्वार सामने लिखा है। यहाँ पर देखिए काली माता जी के दर्शन करिए। जय हो माँ काली। गोरख डिब्बी है, अंदर जाके आते हैं एक बार। तो अभी हम दूसरे मंदिर जा रहे हैं, तारा देवी का मंदिर ऊपर वहाँ जा रहे हैं। वहाँ से आएंगे नज़ारे बहुत सुंदर, वहाँ से देखेगा मंदिर पूरा। और शिवी को ले लिया मैंने कंधे के ऊपर और डांस कर रही थी गाने सुन के। नाचो शिवी। खुश हुई माता हमारे दर्शन से। जय माता दी, जय काली माँ, जय हो काली माँ, आशीर्वाद देना माता। तो दोस्तों ये है यहाँ पे शीतला माता जी का मंदिर जो कि बहुत खूबसूरत है, हमने दर्शन कर लिए। और इधर ही साथ में नवग्रह भी हैं, ये देखिए ये सारे हमारे नवग्रह हैं। और यहाँ पे है माता जी की मूर्ति, अंदर जा कर के ना वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो ये आगे राहु केतु और बीच में शनिदेव जी हैं, हाँ जी। और पीछे देखिए मंगल बृहस्पति इस तरह से बने हुए हैं सारे, और बीच में जो है माता जी की मूर्ति है। और इस तरफ चलते हैं, अंदर यहाँ भी अलाउड नहीं है फ़ोटो खींचना वीडियो बनाना। तो हम जाते हैं यहाँ से और यहाँ से दिखाते हैं आपको नीचे नीचे का नज़ारा। ओहो हो, ये देखिए क्या सनसेट हुआ है सामने यार, मिस कर दिया। पर उधर हुआ है, सूरज नहीं दिख रहा था लेकिन बहुत बढ़िया। ये नीचे नीचे हम घूमे हैं और एक मंदिर देखो उधर भी है, शिवलिंग कितनी, शिव जी की मूर्ति कितनी बड़ी बनी हुई है देखो, जरा पेड़ों के पीछे छुप गई है, नहीं तो यहाँ से बहुत सुंदर व्यू आएगा। शाम का टाइम हो गया है, अंधेरा ही होने वाला है, लेकिन फिर भी गर्मी इतनी तेज़ थी, शिवी को उठा के लाया, पूरा पसीना पसीना है, पूरा मुँह गीला है। तो बस यार यही है, अब मौसम ख़त्म होगा ये गर्मी वाला, सर्दियाँ आएंगी फिर मज़ा आएगा। और अभी जो है आरती शुरू होने वाली है, आरती दिखाएंगे आपको। अगर वो बोल रहे हैं कि बांध मंदिर से बाहर आ जाओ, शायद मंदिर पूरा खाली करते हैं फिर आरती होगी, बाकी लोग यहाँ पे खड़े हो सकते हैं नीचे मैदान में। तो माता का असली भवन वो देखो वो दिख रहा है, जहाँ पे मेन मंदिर है। और जो हम ज्वालाएँ हैं माता की वो तो अंदर, मतलब बहुत सारी जगह हैं, शायद 9 जगह पर है, तो आधी कुछ इधर है आधी वहाँ पर है, तो बहुत सारी जगहों पर है। और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। और वो रास्ता दिख रहा है देखो, ये जो शेड लगे हुए हैं ये है रास्ता, यहाँ से आए हैं। और वो नीचे है शहर जहाँ पे होटल्स हैं बहुत सारे, तो रूम वगैरह मिल जाएंगे आपको। हमने 1200 में एसी रूम लिया है, वो भी आपको दिखाएंगे। शिवी शिवी जय माता, शिवी यहाँ से देख रही है माता को, जय कर रही है। तो गाइस यहाँ पे अभी बैठे बैठे चलो आपको बता देते हैं, अकबर ने जो है माता की रिक्शा लेनी चाहिए थी, तो उन्होंने जो है ज्वाला बुझाने के लिए पानी लाया था, लेकिन ज्वाला वैसी रह गई, लेकिन ज्वाला नहीं बुझी, तो उसने हाँ वो मान नहीं रहा था, फिर वह माना, तो फिर उसने जो है सोने का छत्र लाया था माता को चढ़ाने के लिए, तो फिर वो चढ़ाया है और फिर उसके बाद भी उसको घमंड हो गया। उसके बाद जो माता ने जो उसको है कोई अलग धातु में परिवर्तित कर दिया है, ना ही वो धातु को आज तक कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं कर पाया कि वो हाँ, है क्या। हाँ सही है, वो माता के मंदिर में ही रखा हुआ है हाँ। अभी भी। और जैसे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं तो कुछ लोगों ने ये भी मतलब वो किया था कि यहाँ नीचे ना कोई ऑयल या खनिज टाइप कुछ होगा जिसकी वजह से आग जलती है, ज्वाला जलती है, लेकिन उसका भी मतलब नीचे ज़मीन को जब चेक किया गया तो उसमें ऐसा कुछ नहीं निकला। तो ये जो ज्वाला है ना, इसके नीचे कोई ऐसी चीज़ है जैसे तेल वगैरह होता है, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ वही
तो नीचे जो है आरती चली हुई है, घंटियों की आवाज़ आपको आ रही होगी कंटिन्यूस, लेकिन लोग बाहर बैठे हुए हैं, कोई भी आरती नहीं गा रहा है। मतलब मंदिर से बाहर निकाल दिया था श्रद्धालुओं को, जैसी आरती केदारनाथ और गंगा मैया की होती है वैसा फील नहीं आ रहा है। नहीं तो यहीं से हमें जोर जोर से जय जय सुनाई देती है ना। छोटे छोटे मंदिरों में भी होती है वैसे, पर इधर पता नहीं क्यों होगा कुछ शायद, क्या पता। घंटियां तो बज रही है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही आरती की। तो अब जो है हम इवनिंग तक यहीं बैठेंगे, इवनिंग तो हो ही गई है, मतलब जब तक फुल अंधेरा नहीं हो जाता यहीं बैठेंगे थोड़ी देर, यहाँ से देखेंगे नीचे का नज़ारा, आपको दिखाते हैं फिर थोड़ा अंधेरे होने के बाद कैसा नज़ारा आता है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया आज, तीसरी माता के दर्शन किए हमने आ जाना कंटिन्यू, और वो भी इतने सुंदर दर्शन, आराम से दर्शन। अभी हम आ गए नीचे, यहाँ पे लोग कर रहे हैं कीर्तन, तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है। आ जा शिवी, जय हो करो, जय हो करो। नहीं कोई नाच, हम ऐसे नाचेंगे। चले, मन को तृप्ति मिल गई, तृप्ति मिल गई, मन नहीं हो रहा जाने का ना, थक गई शिवी। शिवी तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस नीचे, खाना खाएंगे, कोई अच्छा सा ढाबा देखते हैं, खाना खाते हैं और फिर चलते हैं रूम में। रूम दिखाते हैं आपको कैसा रूम लिया हमने, कितने का पड़ा। और मैंने तो बता दिया यार आपको, जो ये बड़े बड़े शक्तिपीठ है यहाँ पे शाम के टाइम आओ, है ना, सबसे बेस्ट टाइम है शाम का। तो अभी हम लोग पहुँच गए रूम में, ये देखिए कुछ इस तरह का रूम है, हमने सामान वामान रख लिया है, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है, सिर्फ बेड है और ये जगह है इधर थोड़ी सी, और ये सामने लगी है, लगा है शीशा, तो ऐसा लगता है कि बाहर को जाने का रास्ता है, बार बार मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे भी आ रही है। और ये कुछ वॉशरूम है, देखिए ठीक ठाक सा वॉशरूम है, बढ़िया है, 1200 का रूम है ये और विद एसी है, एसी हमने चलाया नहीं, दिन को चलाया था तो अभी डर लग रहा है कि बीमार ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, गर्मी लग रही है ना, और अभी यहाँ फिर ठंडा सर्द गर्म ना हो जाए कहीं। तो दोस्तों आप लोग बताइए, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, हम लोग आ चुके हैं दर्शन करके और आज इतने थक चुके हैं कि क्या बताएं आप लोगों को, बहुत ज़्यादा मतलब चल चल के 3 माताओं के दर्शन कर लिए हमने आज। तो हमने जितने मतलब मैक्सिमम टाइम हम देख रहे थे, जो लोग हमें चामुंडा माता मिले थे वो हमें बृजेश्वरी माता मिल रहे थे, तो ऐसे मतलब लोग इसको सर्किट को करते हैं, क्योंकि सब सारी जो ये मंदिर हैं हमने शुरू किया है चामुंडा माता से, फिर हम गए बृजेश्वरी माता, फिर आए हम ज्वाला जी, कल हम जाएंगे बगलामुखी और चिंतपूर्णी। और कुक्कू ने कर लिया शॉपिंग और देखो क्या स्टंट मार रही है, इयर रिंग लिए है, हाँ अच्छे लग रहे हैं। शर्मा क्यों रही है, शर्मा कौन रहा है? कितने के लिए? 50 रुपये। 50 रुपये के, ठीक है, अच्छी लग रही है। डायमंड के तो आपने दिलाने नहीं, चलो नकली डायमंड से। ठीक है 50 में, ठीक है, किसको पता लगेगा असली नकली है। शिवी हेलो तो बोल दो, सब आपको मिस करते हैं यार, और देखो क्या कर दिया इसने, कैसे खुश हो रही है। फिर
तो आज शिवी ने बहुत डांस किया ऊपर जब वो कीर्तन कर रहे थे। एक कोई बंदा आ गया था, मुझे लगता है वो गाते हैं जैसे, क्योंकि उनकी एनर्जी से लग रहा था कि वो कहीं जहाँ जगराते वगैरह में गाने वाले हैं। तो बहुत मज़ा आया, वो भी अचानक ही आया और बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया वहाँ पे। तो डिनर वगैरह हम करके आ गए हैं, तो अब यहाँ पे रिलैक्स करेंगे। और आपको दिखाया इसलिए नहीं क्योंकि शिवी को खाना खिलाए या वीडियो बनाए वो समझ में नहीं आता है। और ऊपर से इतनी गर्मी थी, गर्मी, हाँ गर्मी, लेकिन यहाँ की थोड़ी शांति हो रही है, ठंडा है। अभी तो एसी भी नहीं चलाया हमने, तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अच्छे अच्छे करना ना भूले। शिवी ने बोला जय माता दी, सब्सक्राइब करो। हाँ तो ठीक है गाइस, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।